हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग अभी जापानीज की तैयारी कर रहे हैं, जापान में वो जॉब के लिए आना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका जापान में आने के लिए। क्या ज़रूरी है जापानीज, आपको किस तरीके से सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, और कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपके जापान के जर्नी के लिए। तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। पहला फैक्ट है दोस्तों कि जापानीज सीखते वक्त आपको 3 स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में हमारा ABCDZ तक होता है जो कि सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, बट जापानीज में होती है 3 स्क्रिप्ट। पहली स्क्रिप्ट है हिरागाना, दूसरी है काताकाना और थर्ड स्क्रिप्ट है कांजी। तो हिरागाना यूज़ करते हैं जो कि जापानीज वर्ड्स है, जापानीज ग्रामर है या फिर जो पार्टिकल्स है उसको यूज़ करने के लिए। काताकाना जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ करते हैं फॉरेन वर्ड्स यूज़ करने के लिए, और जो कांजी है वो हिरागाना को शॉर्ट करने के लिए कांजी यूज़ करते हैं। तो अगर आप जापान में आने वाले हो तो आपको ये जो 3 स्क्रिप्ट है ये आपको हर जगह दिखेंगी, आपको ये इसके साइन बोर्ड्स दिखेंगे मेनू कार्ड में, और अगर आप ऑफिस में भी काम करोगे तो आपके जो ईमेल होंगे वो आपको हिरागाना, काताकाना और कांजी ये तीनों स्क्रिप्ट में आपको दिखेंगे। तो अगर आप जापानीज सीख रहे हो तो आपको ये तीनों स्क्रिप्ट मैंडेटरी सीखनी ही पड़ेगी। दूसरा फैक्ट है दोस्तों कि अगर आप जापान में आके जापानीज में बात करोगे किसी जापानीज पर्सन से तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जापानीज बोलते हैं। हाँ, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आप अपने घर पे किसी से बात कर रहे हो, आप आपके कलीग से बात कर रहे हो तो जापानीज का स्टाइल अलग होता है, और आप अगर आपके बॉस से बात कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो जो बोलने का स्टाइल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो जब जापानीज के 2 तरीके के यूजुअली स्टाइल होते हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है, पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो अगर आप आपके दोस्तों से बात कर रहे हो या आपके किसी छोटे कोई आपसे एज में छोटा है उससे अगर आप बात कर रहे हो तो आप इनफॉर्मल जापानीज में बात करोगे, और अगर आप बात कर रहे हो अपने बॉस से या आपसे उम्र में कोई बड़ा है या आपके कलीग जो ऑफिस में है आपके साथ में काम करते हैं जो कि आपसे हायर रैंक पर है उनसे अगर आप बात कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे फॉर्मल जापानीज लैंग्वेज, उसको बोलते हैं केइगो। तो केइगो होती है 3 टाइप की, उसमें भी 3 लेवल होती है। पहली जो लेवल है वो है तेइनेइगो जो कि यूज़ करते हैं पोलाइट जापानीज बोलने के लिए। दूसरी जो है वो है सोंग केइगो, जब अगर आपको किसी से रिस्पेक्टफुली बात करना है तब इसको यूज़ करते हैं। और थर्ड है केंजोगो जो कि अगर आप किसी से हम्बल तरीके से बात करते हो तब इसको यूज़ करते हैं। तो जापान में अगर आप बात कर रहे हो किसी से भी तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है वो किस लेवल पे है, कौन है, और वो हिसाब से आपको आपकी जापानीज सिलेक्ट करना पड़ेगा। काफ़ी टफ टास्क है ये इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश अच्छा लगता है। तीसरा फैक्ट है जापानीज लैंग्वेज सीखने से रिलेटेड। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि अगर आप जापान में जॉब के लिए आना चाहते हो तो आपको जापानीज आना ज़रूरी है या नहीं है। तो अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूं तो दोस्तों, अगर आप जापान में जॉब के लिए आना चाहते हो, आप पे कोई भी जॉब करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट कन्वर्सेशनल जापानीज आना ज़रूरी है। आप डिपेंड करेगा कि आपका जॉब कौन से टाइप का, अगर आप IT में हो जहाँ पर आप यूजुअली IT का काम कर रहे हो, आपको कोडिंग वगैरह करना है, ज़्यादा बात नहीं करना है तो आपका N5 से काम चल जाएगा। अगर आप सेल्स में हो या मार्केटिंग में हो जहाँ पर आपको कस्टमर से ज़्यादा बातें करना है तो आपको नेटिव लैंग्वेज आना ज़रूरी है जो कि होता है N1। तो अगर आप जापान आने का प्लान कर रहे हो जॉब से रिलेटेड तो आपको एटलीस्ट N5 या फिर N4 कन्वर्सेशनल आना ज़रूरी है। जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो जो इंटरव्यूअर होता है वो सबसे पहले आपको यही पूछेगा, जो हायरिंग मैनेजर है इंटरव्यू के पहले ही आपको यही पूछेगा कि आपको जापानीज आती है या नहीं आती। जब भी आप उनके वेबसाइट पर जाके अप्लाई भी करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया ही रहेगा कि आपका जापानीज लेवल क्या है, जिसमें कि दिया रहता है कि बेसिक, कन्वर्सेशनल, इंटरमीडिएट, नेटिव। तो एटलीस्ट आपको N5 या फिर N4 आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा, और अगर एक बार आप जापान में आ गए तो आप धीरे धीरे अपना जो जापानीज लेवल है वो इम्प्रूव कर सकते हो। बट चौथा फैक्ट है दोस्तों कि अगर आप जापान में आके किसी जापानीज पर्सन से जापानीज में बात करोगे या फिर किसी 2 जापानीज पर्सन को बात करते हुए सुनोगे तो आप ये पाओगे कि ये लोग हाई कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो व्हाट इज़ हाई कॉन्टेक्स्ट? तो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हम कैसे हिंदी में बोलते हैं कि आप ये फल खाओगे क्या, आप मेरे साथ बाहर चलोगे क्या, तो हम ऐसे पूरा सेंटेंस बोलते हैं। जापान में वैसा नहीं होता है, जापानीज में होता है ताबेरू इकिमाशोका, एकदम वो जो सेंटेंस है उसको वो
छोटा कर देते हैं। आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हो और इस मीटिंग में 10 लोग बैठे हुए हैं और वो जापानीज में बात कर रहे हैं, मीटिंग में आधे सेंटेंस वो खा जाएंगे तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाला कि वो बात क्या कर रहे हैं, अनलेस आपको जो जापानीज है वो हाई लेवल की नहीं आती है। फैक्ट 5 दोस्तों, जापानीज लेवल। अब आप सभी को पता होगा जो जापानीज अभी सीख रहे हैं कि अगर आपको जापानीज लैंग्वेज सीखना है या उसके एग्ज़ाम देना है तो उसमें 5 लेवल होती है, N5 से लेके N1 तक। तो जो N5 लेवल है वो है बिगनर लेवल, यानी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो और आपका वो अगर लेवल आप क्लियर कर रहे हो उसका मतलब है कि यू कैन स्पीक कन्वर्सेशनल जापानीज। अगर आप बेसिक कन्वर्सेशन यहाँ पे आपको करना है सुपरमार्केट में या किसी को रास्ता वगैरह पूछना है तो बेसिक आप किसी से बात कर रहे थे वो आपके N5 से समझ में आएगा। अगर आप N3 क्लियर कर रहे हो इसका मतलब वो कि आपको इंटरमीडिएट जापानीज आती है, जो कि यूजुअली जापान में आप जितने भी जॉब को अप्लाई करोगे तो यूजुअली वो N3 देखते हैं। अगर आपके पास N3 है तो यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। N2 और N1 जो है वो लाइक इट्स लाइक अ नेटिव लैंग्वेज कि भाई आपको जापानीज लोगों की तरह यहाँ पे जापानीज आती है, और एक उसके ऊपर की होती है बिजनेस लैंग्वेज जापानीज जो कि N1 के ऊपर की होती है, और N1 के साथ में आपको अगर बिजनेस लैंग्वेज भी आती है बिजनेस जापानीज, उसका मतलब मैंने आपको बोला था कि केगो होता है, आपको रिस्पेक्टफुली पोलाइटफुली बात करना होता है आपके क्लाइंट से, आपके कस्टमर के साथ में आपको एकदम पोलाइटली बात करना होता है, तो वो होती है बिजनेस लेवल जापानीज। तो मोस्टली जो सेल्स मार्केटिंग के जॉब होते हैं उसके लिए आपको N1 प्लस वो बिजनेस जापानीज आना आपको ज़रूरी है। बात ऐसी दोस्तों, ये जो JLPT लेवल है N5 to N1, ये साल में सिर्फ 2 बार इसके एग्ज़ाम होती है। अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद में इसको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये साल में आई थिंक जुलाई और दिसंबर 2 ही बार होती है। अब क्या करें, अगर आप फेल हो गए तो आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा। बट इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक अल्टरनेटिव एग्ज़ाम है NAT, वो भी JLPT की तरह ही होती है। उसकी भी 5 लेवल होती है, NAT 5 to NAT 1, और उसका जो जैसे मैंने आपको बोला N5 बिगनर होता है, N3 इंटरमीडिएट होता है, N1 नेटिव होता है, वैसे ही NAT का होता है। NAT 5 बिगनर के लिए होता है, NAT 3 जो इंटरमीडिएट और NAT 1 जो नेटिव जापानीज स्पीकिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट अच्छी बात ये दोस्तों ये NAT में कि आप ये साल में आप 6 बार दे सकते हो। हाँ दोस्तों, 6 times in year। तो अगर आप फेल हो रहे हो, आई थिंक ये 2 या 3 महीने में एक बार एग्ज़ाम होती है। अगर आप एक बार फेल भी हो गए तो आप 2-3 महीने में फिर से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अच्छी बात ये दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो आप NAT दे के भी बोल सकते हो कि मेरा JLPT का N5 क्लियर है, N3 क्लियर है, N1 क्लियर है। तो अगर आप JLPT नहीं दे सकते, अगर आपको वो 6 महीने आप नहीं रुकना चाहते, तो आई विल रिकमेंड कि आप ये NAT की तैयारी करो। इसका सिलेबस वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है और थोड़ा सिंपल भी है JLPT से। तो अगर आप NAT एग्ज़ाम प्रिपेयर करोगे और आप NAT 1 भी क्लियर कर दिया तो इट्स इक्विवेलेंट टू N1। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये NAT की तैयारी भी कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम कम है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो JLPT एग्ज़ाम है और ये जो NAT एग्ज़ाम है, इनका अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये एग्ज़ाम कैसे देना है। तो इन दोनों की अलग अलग वेबसाइट है, उन दोनों की जो वेबसाइट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होगा कि JLPT की तैयारी कहाँ से करना है, NAT की तैयारी कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है या किसी टीचर से पढ़ना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास में कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई टीचर फिजिकली आपको लेसन्स पढ़ा रहे हैं तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि आपका जो बेसिक है वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो और आप जाके लेसन्स लो, आप वहाँ से सीखो। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, क्लास में नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन तो अब इतने सारे क्लासेस आ चुके हैं, आप अगर गूगल पर डाल दो ऑनलाइन जापानीज क्लासेस तो बहुत सारे वहाँ पर आ जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाके जापानीज की तैयारी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है सेल्फ स्टडी, जो कि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी से जापानीज आपको आ सकती है नहीं आ सकती है। बट पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आप N5 से स्टार्ट कर रहे हो, आपको जापानीज बिल्कुल नहीं आती है, भले ही आप एनीमे मांगा वगैरह देखते हो थोड़ी बहुत आपको जापानीज आ जाएगी, बट अगर आप जापानीज की तैयारी आपको एग्ज़ाम देना है तो N5 सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आपका अगर बेस अच्छा है तो आप एग्ज़ाम बड़े इजी से क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप N5 और N4 की तैयारी कर रहे हो तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप टीचर से ही पढ़ाई करो। बट हाँ, N4 क्लियर हो गया और आप N3 N2 की तैयारी कर रहे हो तो आप वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पढ़ाई कैसे करना है। क्योंकि जापानीज पढ़ते वक्त एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ टू स्टडी। अगर आपको उसका लॉजिक समझ में आ गया कि आपको कांजी कैसे पढ़ाई करना है, ग्रामर कैसे पढ़ाई करना है, वो आपको टीचर ही अच्छे से बता पाएगा। वो एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आप N3 N2 आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बात करते हैं जॉब के बारे में। चलो ठीक है, हमने N5 N3 भी क्लियर कर दिया, अब जॉब कहाँ से अप्लाई करना है, जापान में आके जॉब कैसे ढूंढे या फिर इंडिया में रह के जॉब कैसे ढूंढे जापान के लिए।
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों कि आप जापानीज सीखो जापान के यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि आपको जापानीज पढ़ाते हैं। तो आप 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का, 2 साल का तो नहीं होता है बट मैक्सिमम 1 साल का यहाँ पे कोर्स होता है, वहाँ पर आप एडमिशन लेके स्टूडेंट वीज़ा भी आप यहाँ पर आ जाओ और फिर आप यहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो सबसे ईजी वे है दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना है, आपको जापानीज भी सीखना है और आपको जापान कल्चर को भी एक्सपीरियंस करना है, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जापान में आ जाओ और आते ही आप स्टार्ट करो जॉब हंटिंग के लिए। बट व्हाट आई विल रिकमेंड कि यहाँ के स्कूल में एडमिशन लेने से पहले आप एटलीस्ट N5 N4 पहले ही क्लियर करके रख दो, ताकि आप N3 की यहाँ पे तैयारी करके आप जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप जापान में आओ और 6 महीने आप बेसिक ही हीरा गाना काता गाना सीखो यहाँ पे और फिर जॉब में वो मांगे आपको N3, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप पहले N4 क्लियर कर दो और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे N3 की तैयारी के लिए आके स्टूडेंट वीज़ा पे फिर जॉब के लिए अप्लाई इजीली कर सकते हो। ताकि काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार इतना पैसा कौन खर्च करेगा जापान में पढ़ाई के लिए एंड ऑल एवरीथिंग, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको जापानीज ट्रेनिंग के साथ में जापान में जॉब के लिए भी वो हेल्प करेंगे। थोड़ा पैसा ज़्यादा लेंगे बट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको N5, N3, N1 के ट्रेनिंग करके लेंगे। पूरा 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का पूरा कोर्स होता है पूरा, और उसके साथ में आपको वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका टाइप होता है काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ में या फिर जो यहाँ की छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनी होती है, छोटी कंपनीज होती है, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ भी उनका कोलैबोरेशन होता है। और अगर आप वहाँ से जापानीज़ पढ़ोगे तो वो हेल्प करेंगे आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए। तो तीसरा ऑप्शन है वेबसाइट्स के थ्रू। काफ़ी सारे जापानीज वेबसाइट्स है जो कि हायर करती है बाहर से इंजीनियर्स को या फिर जो भी अलग अलग स्किल में उनको हायर वैकेंसीज होती है, तो वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका स्किल किस में है, वैकेंसी कौन से फील्ड में है और आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बहुत से ऐसी वेबसाइट्स है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि मुझे पता है, वो आप वहाँ पे जाके आप आपका स्किल्स वगैरह देख सकते हो, आपके फील्ड के अंदर आप जॉब ढूंढ के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको जापान से रिलेटेड काफ़ी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, जापानीज सीखने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जापान के जॉब रिलेटेड, यहाँ के लाइफ रिलेटेड, यहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है, कॉस्ट, एवरीथिंग, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको डाउट है अभी भी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आती में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।